जस्ट मैंने थोड़ा सा क्लीन कर लिया है एंड मैंने पहनी। हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग, वेलकम बैक। एंड मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, सो मैंने अभी लगा लिया है अपना स्पेक्स। हो सकता है आइस की वजह से भी कभी कभी पेन हो जाता है सर में, सो ऐसा है। एंड पीयू को मैं इधर बैठ के उसका वर्क करा रही हूँ, दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस, ये यहाँ पे स्पेलिंग्स हैं इनकी, साइंस का डिक्टेशन वर्ड्स है और इसमें बहुत ज़्यादा पेन है, बहुत दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया है, पिंपल आ गया है। वैसे मुझे पिंपल होता नहीं है बट है। एंड वर्मा जी अंदर है, आज वही ट्यूसडे वाला जो आपने कल का व्लॉग देखा था उसी के आगे मैं इसको कंटिन्यू कर रही हूँ। और वर्मा जी अंदर है, उनका फ़ोन कॉल वॉल चल रहा है कुछ, मैं पीयू को यहाँ पे पढ़ा रही हूँ। चाय मैंने अभी पी है और हाँ, कल मैं कन्या खिलाने वाली हूँ तो बनी रही है मेरे ब्लॉग में। और कल कन्या जमाई है तो अभी मैं देखती हूँ, अगर आज थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया तो किया, वरना सीधे फिर कल ही इस ब्लॉग को मैं कंटिन्यू करूँगी। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक। एंड ये दशहरे वाले दिन का व्लॉग है और आज है दशमी, आप सभी को दशहरे की ढेरों शुभकामनाएं। एंड आज ही मैं कन्या भी खिला रही हूँ, क्यों? क्योंकि बच्चों की छुट्टी नहीं थी, पीहू का भी स्कूल था, सारे बच्चे स्कूल जा रहे थे, तो फिर मैं नौवीं या अष्टमी में नहीं खिला पाई कन्या, तो मैं आज ही कन्या जमाई कर रही हूँ। और मैं यहाँ पर बना रही हूँ छोले पूड़ी एंड हलवा, साथ में हमारे यहाँ लौकी का रायता बनता है भगवान जी को भोग लगाने के लिए, सो वही यहाँ पे चल रहा है। मैंने हलवा बनाना स्टार्ट कर दिया है, भून लिया है, केसर भी भिगो दिया है, इसमें केसर डालूंगी, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब मैंने निकाल लिए हैं। बात करते करते आपसे देखिए, मेरा यहाँ पे हलवा बनना शुरू हो गया है, ऑलमोस्ट बन ही चुका है, शुगर मैंने डाल दी है। इसके बाद बस यहाँ पर मैंने पूड़ियाँ निकालना शुरू कर दिया था। सुबह उठ करके मैंने झाड़ू पोछा सब कर लिया था, क्योंकि आपको पता है मेरी हाउस हेल्पर नहीं आ रही हैं, तो सारा काम मुझे ही करना था। सो मैं 6:30 बजे उठ गई थी और बच्चों को मैंने 10 बजे बुलाया था, मेरा सारा काम हो गया था, बच्चे आए, बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने बच्चों के साथ। जब आती है ना छोटी छोटी कन्या तो बहुत सुंदर लगती हैं। अभी देखिएगा, दिखाती हूँ मैं। हैप्पी दशहरा। बिगो पैकेट टू। तो आप यहाँ पे तोरण लगाने जा रहे हैं? चलो चलो आप लगा लो। हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। आज है दशहरा, आप सबको दशहरा की ढेरों शुभकामनाएं। एंड आज मैंने कन्या जमाई की है तो बच्चे आना शुरू हो गए हैं। मेरे को लग रहा है कि कैमरा थोड़ा गंदा है, तो मैंने थोड़ा सा क्लीन कर लिया है। एंड मैंने पहनी है यहाँ पे पिंक कलर की बहुत ही ब्यूटीफुल सी साड़ी, बहुत ही शिफॉन लाइट वेट है। एंड उसको पेयर किया है मैंने यहाँ पे ये ज्वेलरी सेट से, जो कि कॉन्ट्रास्ट में है, पिंक कुछ ज़्यादा ही हो रहा था इस वजह से मैंने थोड़ा सा इसको कॉन्ट्रास्ट किया। बैंगल पहनी है पिंक कलर की और मैंने छोले पूड़ी हलवा सब बना लिया है, सिर्फ मुझे रायता बनाना है। रायते का भोग लगता है भगवान जी को मेरे ससुराल में, तो चलो चलते हैं और रायता सिर्फ मुझे बनाना है, फटाफट से रायता बनाती हूँ। ये बुलबुल बना रही हैं, हमारे यहाँ पे एक लौकी का रायता बनता है, तो लौकी कसी जा रही है एंड फिर ये थोड़ा सा उबाल के और रायता बनेगा इसका। तो सब बच्चे आ जाओ, मैं सब बच्चों के पैर पहले वॉश करूंगी, आ जाओ। चलो अभी पहले मैं सबको वन वन दे, पहले वन वन दूंगी फिर बाद में बैठो। तो बस यहाँ पे देखिए बच्चे बैठ गए हैं और कितने खुश हैं सारे बच्चे। मैंने एक लंगूर भी बुलाया है, क्योंकि मैं बचपन से मैंने देखा है कि कन्या के साथ एक लड़का भी आता है जिसे लंगूर हमारे यहाँ बोला जाता था। सब बच्चे बोल रहे हैं नहीं नहीं आंटी मुझे मत दो, वो सब बच्चे ने सिर्फ एक एक पूड़ी ही खाया और मैंने तो बना के रखा था बहुत ढेर सारा, छोले भी बच गए, हलवा भी बच गया। तो खैर कोई बात नहीं, यहाँ पे बच्चों का हो गया है, अब मैं यहाँ पे हैंड वॉश वगैरह करवा रही हूँ बच्चों को। और आज पता है क्या हुआ, मेरे से एक बहुत बड़ी गलती होने वाली थी बस, लेकिन माता रानी कहते हैं ना बचा लेती हैं, तो माता रानी ने मुझे बचा लिया। क्या हुआ, मैं ना जब खाना बना रही थी तो मुझे बिल्कुल ध्यान ही नहीं था कि मुझे प्याज नहीं डालना है छोलों में, और मैंने ना प्याज कट करके रख लिया। मैं चॉप करने जा ही रही थी कि अचानक से मेरे माइंड में आया, अरे यार मैं क्या कर रही हूँ, मुझे अनियन तो डालना ही नहीं था। फिर अच्छा हुआ भगवान ने मुझे, माता रानी ने याद दिला दिया और फिर मैंने टमाटर की प्यूरी वाला ही छोले बनाया।
घर में आपको तो रिवर तो साइड में नहीं रिवर तो ऐसे मत करो आप लोग। आप लोग ये प्रसाद है जिसको जो मिला वो ले लेना है, जो मिलेगा वो ले लेना है। ओके मुझे तो है ना मेरा हाउस कलर देना। वेरी गुड ब्लू मेरे को सबके पास सबके पास मुझे चाहिए वो वाला। ये तो बोल रहा हूं से कमिश के लिए थोड़ा डिफरेंट है सब अपने अपने। मुझे तो ये सेम पेंसिल विद यू आशीर्वाद देती जाओ ठीक है आशीर्वाद देती जाओ हां सेम गॉड ब्लेस यू बनने आते थे कि गॉड ब्लेस यू ओके गॉड ब्लेस यू ला ला बेटा पहन ला चलो हाथ रखो गॉड ब्लेस यू उत्पला बेटे गॉड ब्लेस यू करो गॉड ब्लेस यू करो थैंक यू तो यहाँ सब बच्चे बहुत खुश हैं अपनी अपनी मम्मा से। सब लोग बता रहे हैं मुझे ये मिला मुझे वो मिला करके। हेलो हैप्पी दशहरा बच्चों। सो गाइज आज का फंक्शन बहुत अच्छे से हो गया, दशहरा भी हमने मनाया एंड कन्या जमाई भी हुई। पीहू नीचे भी गई थी एक्चुअली, उसको नीचे जाना था कन्या खाने के लिए, उसको नीचे भी जाना था तो मैं उसको अभी जस्ट लेकर के आई हूँ। और अभी मैंने लंच नहीं किया है, अब मैं जा रही हूँ फटाफट से लंच करने के लिए। सब लोग अपने अपने घर जा चुके हैं एंड मैं भी अब थोड़ा सा चेंज करती हूँ। बहुत ज़्यादा साड़ी पहने पहने भी बहुत थकान सी हो जाती है। एक मुझे वीडियो भी शूट करना था, ट्राई ऑन हॉल था, बट अभी वो हो नहीं पाएगा मेरे से। तो नेक्स्ट टाइम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ श्वेता, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। एंड अभी मैं एक वीडियो शूट कर रही थी तो बस मैं चेंज करने ही जा रही थी, फिर मुझे याद आया कि मैं अपना व्लॉग भी कंटिन्यू कर लेती हूँ। सो अभी बस 1 बज रहे हैं, आफ्टरनून का टाइम है एंड पीहू अभी स्कूल में है। दिखाऊं मैं आपको कितना मैंने मैस किया है, ये सारा अभी मुझे कपड़े जो है वो हॉल करना है। अभी मैंने इसका ट्राई ऑन हॉल नहीं किया है, वो सारा मुझे अभी करना है। और मुझे भूख भी लग रही है बट मन नहीं हो रहा है क्योंकि अकेले आप लोग को पता है मुझे खाने का बड़ा अजीब लगता है, मतलब मैं खाना नहीं खा पाती हूँ अकेले। बट ठीक है, थोड़ा बहुत कुछ खाती हूँ। और हाँ, मैंने कुछ शॉपिंग करी है अमेज़ॉन से, वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, दिखाती हूँ मैं आपको। एक मिनट रुकिए, बेडरूम में ही मेरा सामान रखा हुआ है। और जब मैं उधर घूमने गई थी, जब मेरी सिस्टर इन लॉ आई थी, तो मैंने कुछ वहाँ पे एक दो सूट पहने थे। वो बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, कमेंट आ रहे थे कि आपने वो कहाँ से लिया है, कितने का है। सो मैं वो भी आपको अभी दिखाती हूँ वो, और उसका लिंक वगैरह मैं सब नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप परचेज कर सकते हैं वहां से, और सारी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। माय हॉल स्टोर की भी लिंक मिलेगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेकआउट कर लीजिएगा। दिखाती हूँ मैं आपको, तो पहले आप सूट दो देख लो। ये सूट मैंने अमेजोन से ही लिए थे दोनों, बहुत ही ब्यूटीफुल सूट है। सो गाइज, मेरा ये फर्स्ट सूट है जो कि 683 रुपीज़ का है एंड ब्लू कलर का है। इसमें गोल्ड फॉयल प्रिंट है, साथ में नेट की चुनरी है जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। आप इसको किसी भी फेस्टिवल वगैरह में पहन सकते हैं। नीचे आपको शरारा मिलता है जो कि काफ़ी अच्छा फ्लेयर वाला है, तो जब आप पहनेंगे तो ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। तो ये है नेक्स्ट सूट जो कि इंदू एरा ब्रांड से है एंड इसका प्राइस जो है 869 रुपीज़ है। एंड इंस्टाग्राम पे आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने इस ड्रेस को पसंद किया है, सो इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। बहुत ही प्यारा सा ब्यूटीफुल सा है एंड इसका कलर भी वहाँ पे कई सारे अवेलेबल हैं, मैरून, वाइन, येलो एंड ग्रीन, रेड, जो भी आप चाहते हैं आप वहाँ से इसको परचेज कर सकते हैं। तो एक्चुअली में ये है तो वाइन कलर, बट आपको ये मैरूनिश कुछ दिख रहा होगा, बट ये है वाइन कलर जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है एंड ये भी फेस्टिवल अप्रोप्रिएट है, तो हाईली रिकमेंडेड प्रोडक्ट है। उसके बाद मैंने यहाँ पे मंगाया है मामा अर्थ का उपटन फोमिंग फेस वॉश जो कि बहुत अच्छा है। मेकअप वगैरह करती हूँ ना तो ये सिलिकॉन जो उसका ब्रश है वो बहुत इजीली क्लीन हो जाता है। एक्चुअली मुझे फ़ोन ना कहीं ट्राईपॉड पे रख देना चाहिए था,
बट यहाँ पे ट्राईपॉड है नहीं, इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। ओके, तो मैंने फ़ोन यहाँ ऐसे रख दिया है बेड पे। तो ये हो गया फोमिंग फेस वॉश। इसके बाद मैंने यहाँ पे मंगाया है मामा अर्थ का ही फेस वॉश एंड स्क्रब। मैं फेस वॉश स्क्रब वैसे लॉरेल का यूज़ करती हूँ, और जब ऐसे कोई यूज़ करना होता है तो मैं डेली बेसिस पे इसको भी यूज़ करती हूँ। ये बहुत अच्छा है, राइस का है, तो राइस जो होता है वो बहुत अच्छा होता है हमारी स्किन के लिए। सो ये मैंने इस बार अमेजोन से मंगाया है। एंड मैंने इसी की एक मॉइस्चराइजिंग क्रीम भी मंगाई है, ये बहुत अच्छी है, बिल्कुल ऑयली नहीं होती है। ये देखिए, ये है, ये क्रीम राइस की ही है और आपकी स्किन को बहुत नरिशमेंट देता है। इसमें राइस वाटर है, नियासिनामाइड है, तो स्किन के लिए अच्छा होता है। अच्छा, सीरम भी मैंने मामा अर्थ का ही इस बार मंगाया है, लेकिन ये मैंने मंगाया है इसका विटामिन सी का, क्योंकि गर्मियों में ना विटामिन सी जो है वो हमारी स्किन के लिए अच्छा होता है। सो ये इस तरह की पैकेजिंग में आता है। ये देखिए, जब आप इसको प्रेस करते हैं तो ये निकल आता है। बहुत ही अच्छा है, लाइट वेट है, आराम से स्किन में वो हो जाता है, क्या होता है, मिक्स हो जाता है। सो ये हो गया। तो ये मैंने ये चार प्रोडक्ट जो हैं ये मंगाए हैं अमेज़ॉन से ही। और जो ये सूट आपने मैंने आपको दिखाया वो भी मेरा अमेज़ॉन से ही था। मैंने उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, चेकआउट कर लीजिएगा, और अच्छा लगे तो बाय ज़रूर करिएगा, क्योंकि इस समय फेस्टिव चल रहा है टाइम और बहुत सारे ऑफ़र वगैरह अमेज़ॉन पे आते रहते हैं। तो आपको सारी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दे दूंगी। तो ये अभी अभी आया था इसलिए बेड पे यहाँ रखा है। अब मैं इसको एक काम करती हूँ, रख देती हूँ सब कुछ सबको जगह पे, तो फिर सेट हो जाएगा काम। और अब भूख खा लेती हूँ यार, कुछ तो खाना खाना ही पड़ेगा। सो चलो खाती हूँ, फिर मिलती हूँ। सो गाइज, मैंने अभी खाना खा लिया है एंड मैंने यहाँ पे ना कर्टन लगा दिए हैं। बहुत ज़्यादा धूप आ रही है, गर्मी हो गई है बहुत ज़्यादा एंड हवा चल रही है। ये देखिए, कर्टन उड़ रहे हैं, हवा आ रही है, बट अब मुझे ऐसा लग रहा है बारिश ना के बराबर है। लग रहा है बारिश अब बंद हो चुकी है, ऐसा कुछ लग रहा है मुझे कि अब बहुत कम ही बारिश रह गई है। अब थोड़ा सा एडिटिंग कर लेती हूँ। गाइज, आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा धूप हो रही है। शाम के 4:30 बज रहे हैं, पीहू जी आ गई हैं स्कूल से एंड थोड़ी देर टीवी देख रही है। देखने देती हूँ 15-20 मिनट उसको, और फिर अब उसको मैंने फ्रूट्स वगैरह दिए हैं कट करने को, चेंज वगैरह करके ना मैंने अभी फेस नहीं वॉश किया है पीहू को। मुझे ना नीचे लेने जाना पड़ता है, तो थोड़ा सा मेकअप अच्छा नहीं, मतलब मैं थोड़ा सा मेकअप रिम कम करके जाती हूँ शूट वूट करते टाइम पे, तो वही है अभी थोड़ा सा बाकी है। आई शेडो वगैरह मेरे को रिमूव करना है। और अब इस व्लॉग का एंड कर देते हैं। सारे प्रोडक्ट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। एंड मैं मिलूँगी आपको कल अच्छे से इंटरेस्टिंग से व्लॉग के साथ। 2 दिन का व्लॉग था, आई होप आपने इन्जॉय किया होगा। और क्या, और तो कुछ भी नहीं है, ऐसा नॉर्मल ही सा है। तो चलो मिलते हैं कल, बाय बाय, टेक केयर।